Thank you. It's all for me. I'm treating myself before my wedding. Thank you. बहुत सारी चीजें मंगवाई हैं मैंने और हम लोग खाएंगे मजा करेंगे. And I also got these जो मुझे कहीं से भी नहीं मिल रही थी और ये मुझे मिल गई. You know the best part is कि ये आप फ़ौरन ऑर्डर कर लेते हैं और आपकी क्रेविंग सेटिस्फाई हो जाती है, वरना ऑनलाइन पेजेस वगैरह बेकरी पर जाके ऑर्डर करना पड़ता है और वो इतने दिनों के बाद डिलीवर करते हैं. खोल के दो. तो ये जी मम्मा ने एक और चीज़ मेरी कंप्लीट कर ली है. शी मेड इट हरसेल्फ. ये मिरर है निकाह के बाद पहली दफ़ा जो देखते हैं. वो ये क्यूट सी रस्म है तो इसके लिए मम्मा ने बनाया है ख़ुद से. ये जो है ट्रिप बन गई है, इसको क्या कहते हैं, शीशा, सॉरी शीशा बन गया. ये अब्दुल्ला की शक्ल और निका पेन भी बन गए. और अब्दुल्ला को मैंने समझा दिया है कि वो किस तरह से ट्रे लेकर आएगा, सॉरी शीशा लेकर आएगा और पेन देगा और मुझे ये शीशा देगा. सही है ठीक, समझ में आ गया. स्मॉल मॉली. दिस इज माइन. फिर जी एक दिन बच गया है और मैं आज आई हूँ हाइड्रा फेशियल के लिए डॉक्टर आसिया के क्लिनिक. इन्हीं से मैं अपनी पीआरपी करवाती हूँ और सारे स्किन ट्रीटमेंट्स इन्हीं से लेती हूँ. ये बहुत एक्सपर्ट हैं और बहुत अच्छी हैं, प्रोफेशनल हैं. तो अगर आप कराची में होते हैं तो आप ज़रूर इनको विज़िट करें. पहले ही आपकी प्रॉपर कंसल्टेशन करेंगी और फिर आपको ट्रीटमेंट बताएंगी. हाइड्रा फेशियल जो है स्किन को यू नो हाइड्रेट करता है, ग्लो प्रोवाइड करता है. तो मैंने कहा चलो निका से एक दिन पहले करवा लेते हैं. सो बहुत कम स्टेप्स होते हैं, कोई भी एज ग्रुप करवा सकता है. एक्नी प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी हार्श नहीं है एंड आई वुड हाईली रिकमेंड इट. तो मेरी स्किन तो बहुत अच्छी हो गई थी. इसके रिजल्ट्स ना एक दो दिन के बाद आते हैं तो ये और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स होते हैं. सो या अभी मैं आई हूँ शापोश और ये ड्रेस पिक करने आई हूँ. बहुत खूबसूरत ड्रेस है और उन्होंने मुझे भिजवाना था लेकिन मैं यहाँ से गुजर ही थी. मैंने कहा चलो मैं कर लेती हूँ. नेक्स्ट स्टॉप वॉज शाजिया सैलॉन और यहाँ मैं आई हूँ अपनी मैनीक्योर पेडीक्योर के लिए. मतलब फुल ब्राइडल सर्विसेज ले रही हूँ. अपने आप को मैंने बहुत पैम्पर किया है बिफोर मैनीका एंड वाई नॉट यार, क्यों ना करें. मम्मा गॉट हर फेशियल डन फ्रॉम हेयर और इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं नो डाउट. सो अब हम जाएंगे घर क्योंकि घर में एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आई हुई है. सो गाइज आई जस्ट केम बैक होम एंड लुक, ये मेरे वेडिंग कार्ड्स हैं बेसिकली एंड दिखाती हूँ. आई एम सो हैप्पी. ओ माई गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह. सो बेसिकली मेरे वेडिंग कार्ड्स आ चुके हैं एंड आई गॉट देम मेड फ्रॉम दिस पेज लिटिल लेटर कंपनी फ्रॉम इंस्टाग्राम. और मैं इनका काम देख के आ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता था एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड कि यही मेरे कार्ड्स बनाएं. सो या सो हैप्पी एंड देयर आर सो मेनी बिट बॉक्सेस एंड कार्ड्स. जी ये मेरा ही है. आई जस्ट रिसीव माई ड्रेस. आउच, माई ड्रेस इज हेयर और मैं इतनी, मेरे दिल की धड़कन तेज हुई हुई है. ओके आई कैन सी. Oh my god, so pretty. ये बहुत भारी था वैसे. वेट, it is actually my dress and it's so pretty. mera to dil bahut dhak dhak kar raha hai, pata nahi kyun. I feel so happy, so happy. apne dress ko dekh ke mujhe itni khushi ho rahi hai na ki main bata nahi sakti. You
इसे आई है फिर बिरयानी लेकर, इसमें है क्या मसूर वाली है। हाँ बहुत प्यारा है ये, और इसका दुपट्टा। अब ये भी आई, बिरयानी लेकर आई है। ये तुम्हारी निकाह का? हाँ बहुत सही है ना, ये कह लेना मेरी कजिन ने पहना था बारात में दुपट्टा। हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी मामी ने उसे इतना महंगा ड्रेस लेकिन। ओके तो इस तरह की मम्मा रिवायत बरकरार करते हुए बिरयानी भेजती हैं, और इस बार मेरी फेवरेट बिरयानी आई है। फोकस हो जाए। यूसरा इज हेयर, कल निकाह है और सारे कपड़े हमने निकाल के दोबारा चेक किए। यूसरा अपने कपड़े पहन के देख रही है और मेरा शरारा यहाँ पे है। मैंने भी कपड़े चेंज किए। आई एम सो एक्साइटेड। मैंने खुद से अपने मंगवा लिए हैं और ये हैं अनाबिया फबीहा के, क्योंकि मैंने इनके पहले भी पहने थे, बहुत कंफर्टेबल होते हैं, इनके डिज़ाइंस भी बहुत खूबसूरत होते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, प्लस दे वेरी सॉफ्ट वेरी कंफर्टेबल, और जो मतलब यू नो इतने बड़े दिन इतने हैवी ड्रेसेस के साथ ऑल आई नीड इज़ कम्फर्ट, और ये बहुत खूबसूरत है। तो ये मेरे निकाह के जूते हैं और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत हैं ये। सो थैंक यू सो मच कि आपने ये बनवा दिए टाइम पे, एंड कांट वेट टू वेयर देम। ये यूसरा सो रही है यहाँ पे और मैं इतनी ठंड में शावर लेकर आई हूँ और टीटू को भूख लग रही है और हमने भी फूड पांडा ऑर्डर किया है बिकॉज व्हाई नॉट, है ना। चलो अब जी मैं अपनी मेहंदी लगा रही हूँ पैरों पे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपना जूता पहना, फिर उसके बाद मैंने अपनी पायल डाली। अब जो स्पेस बची है इसमें मैंने ये कोका कोला की यू नो इस तरह से इसको करके गोला डालना है। सो दैट्स अ हैक। अब यूसरा कर रही है मेरी मेहंदी और जी कलर आ गया है। यूसरा ने किया था कलर और पैरों का ये रे डर आया है, काफ़ी डार्क है और यहाँ पे भी सब रहे। वहाँ टीटू सो रहा है और वहाँ मेरा ड्रेस लटका हुआ है और मुझे पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही।